टाइगर वुड्स का नाम सुना आपने, गोल्फ का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ है। टाइगर वुड्स से एक बार पूछा गया ये चीज, एक बार टाइगर वुड्स से ये पूछा गया कि ऐसा क्या होता है कि आप बॉल के मारते हो और वो सीधी जाके उस गड्ढे में गिरती है, ऐसा क्या जादू होता है? तो उसका जवाब सुनिए, आपको एनर्जी मिलेगी उससे। उसने जवाब दिया कि मैं क्या करता हूं, जैसे ही मुझे बॉल को मारना होता है तो सबसे पहले मैं अपने माइंड को, अपने दिमाग को वो चीज फील कराता हूं। पहले फील कैसे कराता हूं, एक बार बॉल को देखता हूं, एक बार होल को देखता हूं, एक बार बॉल को देखता हूं, एक बार होल को देखता हूं, और ऐसा तब तक करता हूं जब तक मेरे माइंड में वो इमेज नहीं बन जाती कि मैं मार रहा हूं और वो बॉल होल के अंदर जा रही है। जैसे हमारे माइंड में वो इमेज बनेगी और फिर मैं उसको चोट मारता हूं और वो सीधी होल में गिरती है। आपको भी क्या करना है, दो स्टार आपके दिमाग में हर टाइम होने चाहिए आज से। ये चीज पहले नहीं बताइए मैंने, आज ही बताइए कि दो स्टार में आपको कैसे दिमाग के अंदर वो चीज बिठानी है, डबल एनर्जी आ जाएगी। तीनों इवेंट ऐसे हैं जो हम आज भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में एक बार वो इमेज आ गई। एक बार क्या हुआ, मुर्गी के तीन अंडे थे, मुर्गी के तीन अंडे और उसमें एक चील का अंडा गिर गया। कितने अंडे हो गए, चार अंडे हो गए। चारों अंडों को मुर्गी ने पाला, मुर्गी ने परवरिश की उनकी और उसमें से चार बच्चे निकले और चारों बच्चे मुर्गी के पीछे पीछे चलने लगे। जब उन्होंने उड़ना सीखना शुरू किया तो किसको देख के सीखेंगे, मुर्गी को देख के सीखेंगे। मुर्गी कितना उड़ सकती है, 5 मीटर 10 मीटर उड़ सकती है, उसके बाद बैठ जाती है। बच्चों ने भी सेम ऐसे ही सीखा, चारों बच्चे सिर्फ जितना मुर्गी उड़ती उतना ही उड़ते फिर बैठ जाते, जितना मुर्गी उड़ती उतना उड़ते फिर बैठ जाते आगे चल के। जबकि उनमें एक बच्चे में कितनी ताकत थी, आसमान में उड़ने की ताकत थी। जो चील का बच्चा था उसमें कितनी ताकत थी, आसमान में उड़ने की ताकत थी। आप में भी वो ताकत है लेकिन वातावरण नहीं मिला आज तक, ये चीज कोई बताने वाला ही नहीं मिला आज तक, आपकी ताकत को कोई पहचानने वाला ही नहीं मिला। सारे बच्चों में वो ताकत है, चील के बच्चों जैसी ताकत है, लेकिन वो वातावरण नहीं मिलने की वजह से हम मुर्गी के बच्चों जैसे रह गए।